जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन इस बार जैसा भी जा रहा हो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि नारी शक्ति के कारण ही भारत का ध्वज आज किसी भी नंबर पे जो आ रहा है ना, वो सिर्फ उन्हीं के कारण आ रहा है। तो इसीलिए ज्यादा यहाँ पर हम चूचपड़ नहीं करेंगे, बस समझने वाली बात यह है कि मीराबाई चानू जो थी वो एक पदक ला चुकी हैं, पीवी सिंधु जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। मतलब एक मैच और जीतेंगी तो उसके बाद उनका पदक जो है पक्का हो जाएगा। वहीं जो एक महिला बॉक्सर है लवलीन, उन्होंने सुबह फाइनल में पहुंचकर एक पदक और उन्होंने पक्का कर दिया है कि भैया अब तो मेडल हमको मिलना ही है। तो इस तरीके से दो मेडल पक्के हो चुके हैं, पीवी सिंधु से तीसरा मेडल मिलने की अभी फिलहाल में पूरी उम्मीद है। लेकिन ओलंपिक्स में सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो कि बहुत अच्छी हो रही है, ओलंपिक्स में कुछ बहुत ही ज़्यादा तिकड़मबाजी वाली चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही हैं। भारत में जिसको कि हम लोग जुगाड़ कहते हैं, कुछ वैसी ही चीज़ें इस समय हमें ओलंपिक में देखने के लिए मिली कि किस तरीके से लोग, मतलब कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक उसकी आविष्कार भी नहीं होता। तो इसी तरीके से आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ का किस जगह पर इस्तेमाल करके किस प्लेयर ने क्या धमाल मचा दिया है, और आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ओलंपियन नाविक जेसिका फॉक्स ने ओलंपिक 2021 में कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जापान के टोक्यो में हो रहे ओलंपिक के दौरान अपना खेल शुरू होने से पहले अपनी खराब हुई, मतलब क्षतिग्रस्त हुई कयाक, मतलब जो उनकी कश्ती थी, उसके अगले सिरे पर कार्बन फाइबर को सही करने के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल किया। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम भी किया, मतलब एक तो उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई, ऊपर से जीत भी गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। इसमें 27 साल की एथलीट ने लिखा है कि शायद आप नहीं जानते होंगे कि कॉन्डोम से कश्ती को भी ठीक किया जा सकता है, इससे कार्बन फाइबर बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इसके अलावा फॉक्स ने ओलंपिक खेलों की शुरुआत में टिकटॉक पर अपने 18,000 फॉलोअर्स के साथ एक छोटा वीडियो 23 जुलाई 2021 को शेयर किया था, जिसे 47,000 बार देखा गया था। अब द गार्जियन के अनुसार कयाक कश्ती की मरम्मत के लिए फॉक्स ने जो कॉन्डोम का इस्तेमाल किया था वो जापानी ओलंपिक आयोजकों द्वारा ओलंपिक विलेज में रहने वाले खिलाड़ियों को बांटे गए 1,60,000 कॉन्डोम्स में से एक था। आयोजकों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए इसे बांटा था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के रहने वाली जेसी फॉक्स ने टोक्यो ओलंपिक्स के में केवन कैनो स्लेलम फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया। वो प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में उनकी स्पीड सबसे तेज थी और वो खुद को गोल्ड मेडल का हकदार मानती थी, लेकिन टाइम पेनल्टी के कारण उन्हें तीसरा स्थान मिला। हालांकि महिलाओं की सीवन कैनो स्लेलम में ब्रिटेन की सिल्वर मेडलिस्ट मेलोरी फ्रैंकलिन को 3 सेकंड की मात देकर फॉक्स ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फॉक्स का एक इवेंट अभी भी बचा हुआ है। ओलंपिक आयोजकों द्वारा एथलीट को कॉन्डोम देने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसी साल फरवरी 2021 में जारी ओलंपिक हैंडबुक के पृष्ठ 24 पर खिलाड़ियों को शारीरिक संपर्क जैसे अनावश्यक गले लगना, हाई फाइव्स या फिर हैंडशेक से बचने के लिए कहा था। गौरतलब है कि जेसिका फॉक्स 3 बार कैनॉन स्लैम के इवन वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं। इससे पहले उन्होंने साल 2012 में लंदन ओलंपिक के दौरान सिल्वर मेडल जीता था और 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। उनके माता पिता भी ओलंपिक एथलीट रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ओलंपिक तो उनके खून में ही चलता है। तो आप इस क्रिएटिविटी को लेकर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भारत के लिए ऑल द बेस्ट एक बार दिल से भी कह दें। जय हिंद, जय भारत।